बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की, तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का हिस्सा है, तो फिर लोअर कोर्ट को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। बिल्कुल सेटबैक है, ये सेटबैक है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसलिए देखिए, हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था, 47 से पहले ये होता था, कहां खत्म होगा भाई? ये फिर ये कहां खत्म होगा बताइए? हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था? बनाने का मकसद क्या था? कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट जितना खत्म हो जाए। आपने तो अब तो परपेचुअल लिटिगेशन चलता रहेगा। माई अप्रिहेंशन इज दैट एनी वन टुमारो कैन गो एंड से दैट नो, वी वेर डूइंग सच अ थिंग और वी वेर इन पोजेशन बिफोर 15th August 1947, देन वॉट इज द पॉइंट ऑफ पासिंग अ 91 एक्ट? द पॉइंट वॉज दैट दिस एक्ट वॉज बींग पास टू इंश्योर दैट पास कॉन्फ्लिक्ट शुड नॉट कंटिन्यू, देर शुड नॉट बी परपेचुअल लिटिगेशन। And I am quoting to you that in this particular case, the Khasra record of 1883-84 clearly says that plot number 9130 is Maqbooze Ahl-e-Islam Masjid. Secondly, I am reminding you that in 1936, a case of Deen Muhammad was his state, the court in his judgment in 1937 clearly said that the masjid and the land beneath the masjid, house and on the north side, all are Waqf properties. Thirdly, on 26 February 1942, a Waqf gazette was issued, that is a Waqf property. And fourthly, in this whole Kashi expansion which happened, which the Honorable Prime Minister inaugurated it, a property was exchanged from the Muslim side. A registered document is there. Now, if you exchange a property with me as the owner, why did you extend that property then? I am saying that this will have more problems will be created, a destabilizing effect can happen in India. The whole purpose of 91 Act is failing then. Though the Supreme Court on 28th of May 2002 have given an 8 weeks freeze after whatever order is given by the district judge, I am sure that the Intizama committee will appeal, they should appeal, and this will go. But my apprehension is being proven right. On the day Babri Masjid judgment was given, I had told you categorically that such issues will be raked up. No one believed me. Everyone, in fact, all of you said that you are trying to create an apprehension. Sir, अभी पूरा judgment नहीं आया, ये सिर्फ order 7, rule 7 और order 11 का को reject किया है. आप 91 act को इसके साथ क्यों अभी मतलब आप conflict की बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, देखिए, नहीं नहीं आपकी बात सही है, ये 7-11 का जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। मेरा मानना यह है, मेरी राय यह है कि कोर्ट शुड हैव निप्ड इट इन इट्स बड। 91 का एक्ट क्यों पास किया हम लोग पार्लियामेंट में? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कहा कि जो पास रॉन्ग्स कैन नॉट बी करेक्टेड? आप और ये बोल रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले उनका कुछ था, तो भाई फिर कहां रुकेगा फिर बात? यह कहां रुकेगा फिर बात? यह नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब आपने एक दरवाजा खोल दिया है कि 91 का एक्ट तो 47 15 अगस्त की बात कर, हम तो पहले से थे वहां पर, तो कहां रुकेंगे फिर आप?
हर जगह ये चलना शुरू हो जाएगा. माई अप्रिहेंशन इज दैट द 91 एक्ट वॉज पास टू एंश्योर दैट पास कॉन्फ्लिक्ट आर इज पुट दीज कॉन्फ्लिक्ट आर पुट टू एन एंड. नाउ दिस परपेचुअल लिटिगेशन विल कंटिन्यू बाई अलाउिंग लिटिगेशन टू कंटिन्यू. दैट इज आई एम सेइंग बाबरी मस्जिद कैन बी रिपीटेड. उनको उनको अगर थोड़ा सा भी रूल ऑफ लॉ मालूम होगा और अगर थोड़ा उनको बुद्धि होगी तो उनको यह बोलना चाहिए कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का? क्या उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ मुसलमानों की सरकार नहीं है क्या? कैसा मंत्री इस तरह की बात कर रहा है संविधान पर ओथ लेकर? बताएं वो देश को. जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो यूपी सरकार का हिस्सा है या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है? वो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. वो कैसी बात कर रहे हैं आप? खुलकर अपनी अपनी नफरत का और अपनी तरफदारी का इजहार कर रहे हैं. आपके तमाम मुखालफत के बावजूद नहीं, देखिए मुखालिफत का सवाल नहीं है. तारीख इस बात को याद रखेगी कि किसी एक दीवाने शख्स ने खड़े होकर सच्चाई को बयान किया था और उसके बाद में जो असरात निकलेंगे ना, जब आप भी याद करेंगे और जो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे याद करेंगे. मगर हमने तो अपना काम कर दिया. मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं उसको निभाऊंगा. मैं जो चीज मुझे लगता है कि ये भारत के लिए ठीक नहीं है, माहौल को खराब कर सकती है और टारगेटेड सर्वे हो रहा है तो मैं बोलूंगा उसके ऊपर. मैं क्यों ना बोलूं? सर्वे सरकार कर रही है तो अब सब जो जो करेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप देखना. आपके पास जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं आप उनको अभी तक तनख्वाह नहीं दिए टीचरों को. और ये एक सर्वे सिर्फ मदरसों का क्यों करा? सबका कराइए ना. मिशनरी स्कूल का कराइए, प्राइवेट स्कूल का कराइए, गवर्नमेंट के स्कूल का कराइए.